हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। 59% वोट पाने वाली पार्टियां ईवीएम का विरोध कर रही हैं, तो 31% पाने वाली बीजेपी की मनमानी नहीं चल सकती। 2014 के बाद जितने भी राज्यों के चुनाव हुए उसमें ईवीएम मशीनों में धांधली और गड़बड़ी का मामला सामने ही आया। इस दौरान स्वतंत्र संस्था चुनाव आयोग पर प्रश्न चिन्ह लगाया। चुनाव आयोग को ऑपरेट कर मोदी सरकार अपने हिसाब से चला रही है। इसी के मद्देनजर सभी विपक्षी पार्टियों ने चुनाव आयोग से बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग करी। बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग को लेकर मंगलवार को दिल्ली में चुनाव आयोग ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक में मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने समूचे विपक्ष की तरफ से कहा कि देश में मतपत्र से चुनाव की व्यवस्था की ओर से फिर से लौटना होगा और चुनावी खर्च को कम करना होगा। इस मांग का 70% राजनीतिक दलों में समर्थन भी किया गया। वहीं विपक्ष की तरफ से कहा गया कि ईवीएम से चुनाव जारी रखने का समर्थन भाजपा और उसके कुछ सहयोगी दल कर रहे हैं। इस बैठक में भाजपा और उसके सहयोगी अलग थलग पड़ गए थे, क्योंकि लोकसभा चुनाव में 59% वोट पाने वाली पार्टियां कह रही हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, मगर इसके बावजूद चुनाव आयोग ईवीएम से चुनाव कराने की जिद क्यों कर रहा है, इसको जनता को समझना होगा। बैलेट पेपर के मुद्दे को ऐसे भी देखा जाना चाहिए कि लोकतंत्र में 31% वोट पाने वालों की मनमर्जी नहीं चल सकती। यहां यही देखने को मिल रहा है कि 59% के साथ विपक्ष एक तरफ और भाजपा 31% वोट के साथ एक तरफ है, लेकिन फिर भी चुनाव आयोग 31% वोट पाने वालों की ओर ज्यादा झुका नजर आ रहा है। ऐसे में चुनाव आयोग की कथनी करनी में बड़ा झोल नजर आता है। एक दिलचस्प और हैरानी भरी बात यह भी है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस और सपा बसपा राजद तृणमूल कांग्रेस जैसी क्षेत्रीय पार्टियां जो 162 सीटों की प्रतिनिधित्व करते हुए भी चुनाव बैलेट पेपर से कराने के पक्ष में मांग करने के लिए आ रहे हैं, मगर चुनाव आयोग की इस तस से मस नहीं होना चाहता। वो तो जैसे किसी के कहने पर ही चल रहा है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईवीएम के भरोसे ही 2024 तक सरकार चलाने की बात इतने आत्मविश्वास के साथ कह रहे हैं? वहीं आयोग द्वारा बुलाई गई बैठक में कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने बताया कि पार्टी ने आयोग से यह भी कहा कि अगर बैलेट पेपर से चुनाव करना संभव नहीं तो विकल्प के तौर पर ईवीएम के साथ लगे वीवीपैट से कम 30% मशीनों की जांच कराई जाए, ताकि देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित हो सके। विपक्ष ने आयोग से चुनाव में खर्च को सीमित करने को भी कहा था। विपक्ष का इशारा भाजपा की तरफ है, क्योंकि हालिया चुनावों में बीजेपी ने पैसा पानी की तरह बहाया है। मतलब साफ है कि उद्योगपति भारतीय जनता पार्टी पर चुनाव में जमकर पैसा लुटा रहे हैं। बदले में बीजेपी सरकार अपने उद्योगपति मित्रों को फायदा पहुंचाने में लगी है। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।